नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं dlallantop.com। dlallantop की टीम तूफान आज जमुई में है। हम इस वक्त जमुई के पूर्णा खैरा गांव में हैं। इस गांव के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पे चुनावी माहौल क्या है। 11 तारीख को ये लोग वोट देने जा रहे हैं और यहां पे सीधा मुकाबला चिराग पासवान और भूदेव चौधरी के बीच में है। यहाँ गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बार भूदेव चौधरी भी सांसद रह चुके हैं, एक बार चिराग पासवान भी सांसद रह चुके हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका काम इन्हें अच्छा लगा है और 11 तारीख को ये लोग जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट देंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? उदय कुमार सिंह। उदय कुमार सिंह जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे कल जब आप वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम लोग शांत स्वभाव का आदमी है। भूदेव चौधरी बहुत अच्छा प्रत्याशी है, कभी किसी को कुछ बिगाड़े नहीं बेचारा। अगला बार जो संसद रहे बहुत अच्छा से काम किए, वो जितना उनके पास समर्थन था जब हम लोग बुलाते थे तब वो आ जाते थे। 2009 से 2014 तक वो सांसद रहे थे। हाँ, आपको क्या लगता है उनके जो तीन चार बड़े अच्छे काम हो जो आपके गांव या आपके गांव के आसपास किया हो उन्होंने, उस काम को जरा बताइए। हमारे गाँव में तो यही रोड दिए हैं 44 लाख का। 44 लाख रुपये की रोड आपके गाँव? हाँ हाँ सर। पहले इस गांव में सड़क नहीं थी? नहीं, पहले नहीं था, उनके पहले नहीं था। भूदेव चौधरी। अच्छा, जब ठीक है, जब ये चिराग पासवान सांसद बने हैं उन्होंने क्या किया है? वो तो कुछ नहीं किया, वो हम लोग तो उनको बुलाए 5 बार कम से कम, एक बार भी हमारे गांव नहीं आए। एक बार भी गांव नहीं, नहीं। क्या डिमांड थी आप लोगों की, क्या चिराग पासवान से आप क्या चाहते थे किस गाँव में और क्या चीज़ लगी? डिमांड यही था कि सर एक बार आप हमारे गाँव में आइए, ग्रामीण सब बैठेगा उसके बीच में फैसला होगा। डिमांड कुछ नहीं था, एक बार आइए यहाँ उसके बाद ग्रामीण सब बैठेगा, ग्रामीण फैसला जो करेगा उनसे मांग जो होगा उस किया। फैसला किस बात का था कि क्या आप लोगों की डिमांड, क्या फैसला करना था? हम लोग तो फैसला उनसे यही एगो था कि हमारे गांव में स्कूल का कमी था। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ तो स्कूल तो थोड़े दूर पर है, लेकिन हम लोग यहाँ खोज रहे थे कि 10वीं क्लास तक हो जाए। किस क्लास तक है स्कूल यहाँ पे? यहाँ 8वीं क्लास तक है। और 10वीं की पढ़ाई करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ से? खैरा 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जब इस गांव की लड़कियां कैसे जाती हैं वहां पे? यहां से कुछ पैदल जाती है, कुछ साइकिल से जाती है। कुछ पैदल जाती हैं, कुछ साइकिल से जाती हैं। अच्छा, हम लोग का मुख्य मुद्दा था शिक्षा पर। आप लोगों का मुख्य मुद्दा शिक्षा था जिस पे काम नहीं हुआ? काम नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा, क्या नाम है आपका? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह जी, क्या लगता है आपको गाँव में कौन सा ऐसा काम होना चाहिए था जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, और कौन सा ऐसा काम लगता है जो हुआ है? यही सब कुछ हुआ है, कुछ बाकी है और क्या है? जैसे क्या हुआ है और क्या बाकी है? जैसे रोड का हुआ है और बहुत कुछ है जो कि बाकी है और क्या कहा जाए। अच्छा। जो कि प्रोसेस में है, हो नहीं रहा, जब सामने बन के तैयार नहीं है तो क्या कहा जाए। इतने में चुनाव फिर आ जाता है, 5वां साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है, फिर से चुनाव आ जाता है, फिर से कोई काम नहीं होता है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो घर पे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं? मोदी सरकार ने 2014 में जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपको रोजगार नहीं मिला उस दौरान? 2 करोड़ अधिक रोजगार क्या देंगे, ये 10 करोड़ रोजगार और जो है अधिक मतलब अधिक घटा दिए। कैसे लगता है आपको कि 10 करोड़ रोजगार घट गए हैं? घट गया, हम लोग जो है खुद अध्ययन बाहर जाते हैं, अध्ययन करके आए हैं, बाहर में अध्ययन करके आए हैं। क्या पढ़ाई की आपने? हम इंटर पास हैं। इंटरमीडिएट पास हैं। क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले तो हम जैसे प्राइवेट क्लिनिक में भी रहे हैं, उसके बाद में बाहर में हम पहले थे कपड़ा कंपनी में काम करते थे। कपड़ा कंपनी में काम करते थे, कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में क्यों लौट आए वहाँ से? वहाँ से लौट आए कि जिस समय हम रहते थे जिस एरिया में उस टाइम में 32 अधिक कपड़ा मिल चल रहा था, आज उस एरिया में मात्र 3 कपड़ा मिल चल रहा है। कौन से एरिया में रहते थे आप? हम वासी न्यू बॉम्बे में रहते थे। वासी न्यू बॉम्बे में रहते थे आप, वहाँ पे 32 कपड़ा मिले चलती थी। 32 कपड़ा मिल चलती। अब आप कह रहे हैं कि 3 कपड़ा मिले चलती हैं। 3 कपड़ा मिल ये 32 से 3 का जो घटाव है ये किस दौरान हुआ? ये मोदी जी का देन है। क्यों, कैसे लगता है आपको कि मोदी जी की वजह से जो छोटे छोटे कंपनी थे वो अपना जो है अभी बोरिया बिस्तर समेट के चले गए? क्या आपको ये लगता है कि जीएसटी की वजह से हुआ था ऐसा? जीएसटी की वजह से हुआ। जब जीएसटी लागू हो गई तो उसके होने के बाद ये सब हुआ। अच्छा, आप एक नौकरी करते थे, मुंबई में जाकर नौकरी करते थे, आपको क्या लगता है कि जब नोटबंदी हुई क्या उसका असर आप लोगों पर थोड़ा बहुत पड़ा था? बहुत पड़ा। क्या असर पड़ा? बहुत पड़ा। जैसे क्या असर पड़ा आपके? क्या असर पड़ा कि पहले तो अभी पैसे के लिए मारामारी हुआ, और जब पैसा आने लग गया तो 2000 का नोट आया। 1000 रुपया का नोट तो यदि लेके जाने के बाद 50 रुपया का सामान लीजिए तो दुकानदार जो है सामान नहीं देता था पहले, और आप जो है 2000 का अगर नोट लेके अगर जाएंगे तब तो और लाजमी है कि जब 1000 में वो सामान नहीं दे रहा है कि यदि 50 का सामान ले रहा है तो 950 रुपया आपको हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर हम 50 रुपया का सामान लेंगे और 2000 का नोट लेके जाएंगे तो उसको 1950 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा।
तो इसलिए के जो है अभी परेशानी तो अभी बहुत है। अच्छा, आप कोई एक ऐसा काम बताइए जो 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, 5 साल रही है, कोई एक ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता हो मोदी जी का? कुछ काम इनका जो है सराहनीय रहा है। जैसे 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 अभी किसान को जो अभी थोड़ा बहुत दिए हैं, ये फसल बीमा, ये सब जो है ये सब सराहनीय काम है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू हुई उससे, और फिर किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू हुई उससे, दोनों से कुछ किसानों को फायदा हुआ है? कुछ को हुआ है, कुछ को नहीं भी हुआ है। कुछ को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है। नहीं भी हुआ है। जैसे हम लोग को तो कुछ जो है कहीं कुछ नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए अच्छा किया? कुछ हुआ है तो मतलब 20% हुआ है, 80% जमीन पर काम नहीं है। 20% काम हुआ है, 80% काम पेपर पे हुआ है, आपको ऐसा लगता है? क्या चिराग पासवान आपके सांसद रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में चिराग पासवान ने आप जैसे लोगों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, जीरो। और जब भूदेव चौधरी थे इससे पहले उन्होंने क्या किया था? वो कुछ नहीं करते, अगर नहीं किए हमारे लिए तो हम कम से कम मिलते थे उनसे तो बात तो ढंग से करते थे, ये तो मिलते भी नहीं हैं। आदमी अगर इनसे कभी मिलने जाए तो 10 बार में भी नहीं उनसे उससे मिलते हैं। और क्या क्षेत्र में रहते नहीं हैं? क्षेत्र में आते हैं तो उनका जो चुना जगह है वहाँ जाते हैं। जैसी कौन सी चुनी जगह हैं? वो तो अपना ऑफिस में रहते हैं, गोपालपुर है वहाँ, उसके बाद झाझा में कुछ है, वहाँ वो अपना गिने चुने लोग से मिलते हैं, बाकी तो किसी से नहीं मिलते हैं। इधर तो ना किसी से संपर्क भी नहीं करते हैं, गिने चुने लोगों से मिलते हैं, संपर्क नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं आप, कहाँ किससे मिलते हैं? गोपालपुर के हैं, SBI का बिल्डिंग जो है उन्हीं के मकान में। ये सामने 2 करोड़ का काम था। कौन सा काम है आप दिखा बताइए, ये क्या क्या हुआ है ये 2 करोड़ रुपए में? ये 2 करोड़ का काम था, ये जो सड़क बनी हुई है। हाँ, ये जो बांध जो है ना, हाँ। ये बांध का सिर्फ मरम्मतीकरण जो है उसका काम था 2 करोड़ रुपए का। ये आपको लगता है इसको देखने के बाद में कि ये 2 करोड़ का काम है? ये जो बांध बना है इसका मरम्मतीकरण होना, हाँ। था और इसके लिए 2 करोड़ रुपए, ये जो सामने बांध बना है इसके दो मरम्मतीकरण के लिए 2 करोड़ रुपया लगा था। क्या इस बांध से आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है, पानी नहीं है, देख लीजिए। क्या जाता है कितने मानव दिवस कार्य कर रहे हैं, सारा काम मशीन से होता है, अब मशीनी युग में बेरोजगार हो जाते हैं, और क्या, यही तो हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो काम नहर का 2 करोड़ रुपए में होना था, हाँ। इसमें मानव के साथ काम होना था, मतलब मनरेगा के तहत यहाँ पे मजदूरी करानी चाहिए। मानव दिवस दिखाया जाता है कागज में, मनरेगा से हो रहा है, यहाँ हो रहा सारा मशीनरी से। आप कह रहे हैं कि कागज में मनरेगा चल रही है और यहाँ पे जो पत्थर, ये बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं, ये सब मशीनों से रखे गए? मशीनों से सारा काम, मशीनों से हुआ। और मनरेगा का पैसा, मनरेगा का पैसा निकल रहा, और क्या, उसमें 80-20 मने 40% भी नहीं काम होता, यही तो हो रहा है। मनमोहन सिंह जो है मनरेगा लाए थे कि उससे जो है आज बेरोजगारी दूर होगा, ये सामने है, बेरोजगारी दूर क्या होगा और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, सामने है, हम लोग के नज़र के सामने है। स्थिति भी देख लीजिए क्या है, नहर की स्थिति क्या है आपके यहाँ की? नहर जहाँ तहाँ टूटा पड़ा है, धान ऐसे मर गया, 3 हिस्सा धान मर गया, गेहूं तो कहीं है ही नहीं, खेत देख लीजिए पूरा ऐसे पड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। ये सही बात है कि ये जो इतने खाली खेत पड़े हुए हैं, क्या इनमें खेती नहीं होती है? ये जो खाली सामने खेत पड़े हैं, सब पानी के बिना अधूरा है, कहीं नहीं पानी है, ना डैम में है, ना नहर में है, नहर जहाँ तहाँ टूटा है, बेकार हो चुका है। कोई भी सांसद को अगर जो है अगर चुनेगा तो वो पर्सनली किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चिराग पासवान रहे, चाहे वो भूदेव चौधरी रहे, किसी के लिए पर्सनली कुछ नहीं कर सकते हैं। एक गांव के लिए, किसान के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन एक गांव के लिए कर सकते हैं, एक गांव के लिए कर सकते हैं, और हमारे गांव के लिए एक हमारा सार्वजनिक जो है, हमारे गांव का एक काली मंदिर है, वहां एक जो है सोलर लाइट का आवंटन हुआ था, उसको भी जो है इनके अजी चमचे जो हैं वो अजी उसको भी जो है बेच लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि काली मंदिर पे जो सोलर लाइट सांसद निधि से लगनी थी, क्या उसको भी हटा दिया गया? उसको भी बेच लिया गया, दूसरे जगह पे बेच लिया गया, पैसा लेकर के उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। बेच लिया गया डहुआ में, जो है बेच लिया गया डहुआ में, मतलब जो सोलर लाइट यहाँ पे लगनी थी उसको डहुआ में ले जाकर लगा दिया गया। कैसा क्यों हुआ? अब वो तो अति माननीय जो है चिराग पासवान जी बताएंगे, और नहीं तो उनके जो अति मतलब अभी चेला चपाटी है वो बताएंगे। ये कहना है कि इस गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे हम बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? सुभाष पांडे सर। सुभाष पांडे जी, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया है? मोदी जी का बहुत सारा काम सराहनीय रहा सर, जो कि
जमीन पे लोगों को दिखे ना दिखे उनका बहुत सारा कार्य सराहनीय रहा, लेकिन कुछ ऐसे काम सर जिनकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ी तो मोदी जी के पास पहुंचा कैसे जाए। मोदी जी के पास पहुंचने का जरिया जो हमारे चिराग जी थे, इनसे मिलने का रास्ता मोदी है तो मुमकिन है लेकिन चिराग से मिलना नामुमकिन है। समस्या ये हुई सर हम लोगों को, ये लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है लेकिन चिराग से मिलना नामुमकिन है। अगर एक चीज ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि चिराग से मिलना नामुमकिन है तो आपकी बात मोदी तक पहुंच नहीं पाएगी, और जब मोदी तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो आपके लिए मुमकिन कैसे होगा कोई चीज। सर मोदी है तो मुमकिन है ऐसा पूरा भारतवर्ष में नारा लगाया जा रहा है, मैं भी इसको मानता हूँ सर। उनका बहुत सारा कार्य सराहनीय रहा सर, हम बोले ना बोले कोई अंतर नहीं पड़ता। आप बताइए ना कि आपको कौन सा काम अच्छा लगा, मोदी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? फसल के बाद ये फसल बीमा और जो वो जो मतलब पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ सर, इसमें मैं उनका फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमारे हम लोगों की जो मूल आवश्यकता है यहाँ पे किसान के लिए, जैसे बांध का मरम्मती, इधर में एक बांध सर पिछले 4-5 साल से टूटा पड़ा है, पहुंचा कैसे जाए सांसद जी के पास। अब उनके जो चाहने वाले हैं उनको भी हम लोगों ने एक दो बार कहा कि उस बांध का मरम्मती होना चाहिए, हो जाएगा, आप लोग नहीं सोचो, बहुत अच्छे हैं मैं मान रहा हूं, लेकिन आखिर पहुंचने का कोई जरिया तो होना चाहिए सर, न तो उनके कोई आदमी बताते हैं। और हम लोगों ने पिछले चुनाव में उनको अच्छा कोऑपरेट किया था यहां से, सिर्फ मोदी जी के नाम पर कि एक बार बदलाव देखते हैं सर, बदलाव हम लोगों ने किया। लेकिन ये जो सांसद यहाँ के हैं ये लगता है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं कि बदलाव आपने तो मोदी जी का किया, मोदी जी के नाम पर हम आपसे तो ले लेंगे, देखा जा कहाँ जाओगे आप लोग तो दोगे ही वोट, कहाँ जाओगे, मतलब मिला जुला के कास्टिंग में राजनीति है सर। क्या लगता है इस बार क्या होगा, कल जब आप वोट देने जाएंगे तो आप किस नाम पर वोट देंगे? बदलाव सर, बदलाव, भूदेव चौधरी को वोट देंगे सर। आपको लगता है कि चिराग पासवान ने काम नहीं किया है और भूदेव चौधरी आपका काम जी, करेंगे? जी 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 बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन सत्ता में आएगा? महागठबंधन आए ना आए सर, ये तो हम लोग उतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है सर, उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जमुई की जो वस्तु स्थिति है सर, जमुई की वस्तु स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बार भूदेव चौधरी को एक बार इस सांसद को चेंज करके देखते हैं, फिर उनसे भी नहीं होगा तो हम लोग फिर सर इनको भी चेंज कर देंगे। भूदेव चौधरी भी तो आपके सांसद रहे ही हैं। जी बिल्कुल, भले ही जनता दल यूनाइटेड से रहते जी, उस समय राज्य में उनकी सरकार भी थी, जी जी जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भूदेव चौधरी यहाँ के सांसद थे, उस समय क्या आप लोगों को लगा कुछ अच्छा काम हुआ था आप लोगों की? भूदेव चौधरी जी सर जिस समय सांसद बने थे उनके बनने के तुरंत बाद हम लोग गुजरात में जाके नौकरी करते थे। एक्चुअली सर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आज के डेट में भी, तो हम लोग वहाँ पर नौकरी करते थे। उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने उधर का ही मतलब दौरा किया, भ्रमण किया, नौकरी किया, जो समझिए सर। यहाँ आने के बाद चिराग पासवान के नाम पे हम लोगों ने वोट कर दिया था अगली बार कि नहीं। यहाँ कब लौटे गुजरात से? हम सर 2013-14 में लौटे सर। क्यों लौटना पड़ा आपको? हम सर वैसे ही लौट गए सर, घर पर कुछ आर्थिक स्थिति और घर पर कुछ समस्या, पारिवारिक समस्या के चलते हम आ गए थे। हमने जब यहाँ आया तो ये अपना चिराग पासवान जी के नाम पे हम लोगों ने वोट कर दिया था कि चलो एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं ये। हमको तो सर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि ये कुछ भूदेव चौधरी से हट के काम करें, जैसा भूदेव चौधरी जी ने उनका भी सराहनीय कार्य नहीं है सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन बदलाव जरूरी है सर। भूदेव चौधरी जी को पुनः हम लोगों ने स्थापित करने का, और उन्होंने इस बार फुल संकल्प लिया है कि हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, और हम लोगों ने फैसला इसी बेस पे किया है सर। अच्छा।